कतरनिया वन जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के परवानी गौड़ी गांव में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखिए है, ये है कंपोजिट विद्यालय परवानी गौड़ी। यहाँ कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चे अपने नन्हे नन्हे कदमों पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और इसी प्राथमिक विद्यालय के सामने एक ये बड़ा सा तालाब है। ये तालाब लगभग पिछले 5 या 10 वर्षों से यहाँ मौजूद है। यहाँ पर मछली भी पाली जाती है, यहाँ के जो मवेशी होते हैं यहाँ आके नहाते भी हैं। गांव वालों के लिए पानी के स्रोत के रूप में ये तालाब वर्षों से गांव वालों के काम आ रहा है। परवानी गौड़ी के इस तालाब में पिछले एक महीने से 2 घड़ियाल डेरा जमाए हुए हैं। ये गांव की बतख, मुर्गी, बकरियों को अपना निवाला बना चुके हैं। साथ ही तालाब की जो भी मछली या जो जलीय जीव थे इसमें उसको निवाला बना चुके हैं। और एक बार इसी रास्ते से होकर खेतों में काम करने जा रहे कुछ ग्रामीणों को इन घड़ियालों ने दौड़ा लिया था। इस तालाब का एक सिरा घनी आबादी गांव से मिला हुआ है और दूसरा सिरा ये प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय परवानी गौड़ी से मिला हुआ है। इस गांव के बच्चे इसी रास्ते से, इसी तालाब के किनारे से होते हुए सरकारी स्कूल तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि इस रास्ते पे 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे पढ़ने जाते हैं। कौन घड़ियाल कब कहां किधर से निकले और किस बच्चे के साथ अप्रिय घटना कर दे, इसे कोई नहीं कह सकता है। ग्राम प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वन विभाग को सूचना दी, तहसील प्रशासन को सूचना दी, यहां पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे भी, उन्होंने तालाब का चारों तरफ से मुआयना भी किया, घड़ियालों को रेस्क्यू करने की योजना भी बनाई, लेकिन फिलहाल वनकर्मी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सके हैं। हम बात करेंगे ग्राम प्रधान परवानी गौड़ी से। ये तालाब जो है विकलांग है, छोटे लाल, इन्हीं के नाम पट्टा दिया गया था। और मछली भी डाले थे इन्होंने। आपका नाम छोटे लाल है जी? हाँ सर। मछलियाँ भी खा गए, अब ये बेचारा विकलांग आदमी खा, पेंशन उसके मिलती थी उसी के पैसा बटोर बटोर के अपने बच्चा डाले था, अब इसी के नाम पट्टा था। अब ये जो है रोवर घूम रहा है, अब कह रहे तो क्या करें, वन विभाग वाले कोई सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग इतनी भी कार्रवाई, आपने प्रधान होने के नाते आपने क्या किया? इस रास्ते से बच्चे भी गुजर रहे हैं। हाँ, बच्चे, छोटे बच्चे, आंगनबाड़ी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, अब जो है नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग कई रेंजर साहब नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें हम लोग। वन कर्मी कोई पहुंचा मौके पर? नहीं, वाचर लोग आए थे, दरोगा आए थे, तो देख जाके चले, बता रहे कि 8 से 10 फुट के गहरा तालाब ही है, तो इसमें हम लोग क्या करें, हमको जो मर्जी वो कीजिए। नहीं, बच्चा कोई खाए, जवाब 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 लोग तालाब आप लोगों को देना पड़ेगा, हमसे क्या मतलब भाई। हम तो आप लोग सोचा दे दिया, और भी जो है हमने ऑनलाइन भी कर दिया। किसी ने देखा है यहाँ इसमें घड़ियाल जिसको दौड़ाया हो, कौन था? कोई सामने खड़े ही नहीं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राम वीरेश। आपको दौड़ा लिया था क्या? हाँ, ये डेली है, रोड पर निखरा था, डेली दौड़ा था। तो जब आपको दौड़ाया तो कहाँ बैठा था? हाँ, यही करार के किनारे, मैंने भाग लिया, बात खत्म। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो पकड़ ले जा, दो है लंगाई के लिए। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है गांव वालों के सामने। पानी की गहरान काफी है, वन कर्मी यहाँ आते हैं, प्रधान के मुताबिक इस पानी की गहरान में उनका कोई उपाय नहीं लगता है, लेकिन खतरा गांव के सर पर मंडरा रहा है, खतरा छोटे छोटे बच्चों पर मंडरा रहा है, खतरा उन माँ बाप पर भी मंडरा रहा है जिनके अबोध बालक नन्हे नन्हे कदमों से इस विद्यालय पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। खैर, हम यही कामना करेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, ना ही इस तरह की कोई घटना हो जो दुखदाई हो। ये घड़ियाल स्वतः ही इसी तालाब से होकर किसी बड़े नाले में चले जाएं, या वन कर्मी रेस्क्यू करके इन्हें पकड़कर कि सुरक्षित किसी बड़ी नदी में छोड़ दें। फिलहाल जो भी हो, खतरा तो बना ही है, और हम आप इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा आपका ये मकसद है कि इसके माध्यम से वन कर्मी और आम गांव वाले सजग हो जाएं। गांव वाले इस रास्ते पर निकलें तो सजगता और सतर्कता के साथ निकलेंगे। मिलेंगे फिर कभी किसी अन्य जनहित मुद्दे पर आपके साथ, तब तक बने रहिए जंगल वाइस के पास।